हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया ब्रेन्स। तो गाइस, झारखंड आईटीआई काउंसलिंग 2021 का आज जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। 21 तारीख है आज, 21 सितंबर, और 21 से 28 सितंबर जो है आप लोग का जो सीट अलॉटमेंट लेटर का डेट दिया गया है, जिसमें कि आप लोग जो है अपना सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप प्रोविजनल जिसको कहते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, उसको डाउनलोड कीजिएगा। और दूसरी चीज है कि ये लोग जो है आपको एक पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि सारे बच्चों का लिस्ट होगा और उस लिस्ट में जितने भी लड़कों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, सभी बच्चों का उसमें लिस्टेड रहेगा कि किनको कौन सा कॉलेज मिला रैंक वाइज। ओके, आपका जो सीएमएल रैंक या कैटेगरी रैंक के अनुसार से जो कॉलेज उन्होंने काउंसलिंग में अपना डाला था, उसके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज कौन कौन सा मिला, वो सारा लिस्ट भी रहेगा। तो दोनों लिस्ट, आई मीन एक लिस्ट है और दूसरा एक आपको जो है लॉग इन करना होगा अपना इसमें वेबसाइट से, और डैशबोर्ड में आपको जाके देखना पड़ेगा, वहाँ आपका अलॉटमेंट लेटर आया हुआ रहेगा, उसको डाउनलोड करना है और काउंसलिंग में आई मीन जो एडमिशन लेने आपको कॉलेज जाना है। ये पूरा इस पर जो है वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन अब तक की अपडेट्स यह है कि शाम हो चुके हैं, शाम के 7 बजे करीब करीब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अब तक जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जेसी ईसी का बोर्ड का देखिए, मैं वेबसाइट जो है खोला हुआ हूँ, यहाँ कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आईटीआई काउंसलिंग को अपार्ट फ्रॉम की जो पहले आया हुआ था उसके अलावे और भी कुछ नहीं आया हुआ है। तो बहुत बच्चे परेशान हैं, क्योंकि अब तक जो है बहुत बच्चों ने कमेंट्स करके मुझसे पूछ लिया है कि सर कब आएगा। तो मैं सोचा कि एक अपडेट दे दूं आप लोगों को कि अब तक नहीं आया है और उम्मीद ये करा जा रहा है कि रात तक में भी आए, नहीं तो कल, लेकिन कल की संभावना तो मुझे कम ही लगती है। हो सकता है कि आज किसी भी टाइम में रात में वो लोग अपडेट करेंगे, तो अपडेट कर देंगे। ज्यों ही अपडेट करेंगे, मैं अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एकदम एट द अर्लीस्ट प्रयास जरूर करूंगा। तो गाइज, आप लोग चैनल के साथ जुड़ जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मुझे, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा और वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, चलिए इसमें हम लोग थोड़ा देख भी लेते हैं, आपके सामने चेक भी कर लेते हैं एक बार, अभी इस टाइम का लाइक 7:15 बजे का चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये साइट खुलता है। यहाँ पे कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है अब तक, ये पहले वाला सभी है। ठीक है, यहाँ क्लिक हेयर पे जब एक बार क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो है साइट लोड नहीं हो रहा है। Oops, looks like something went wrong, ये एक एरर मैसेज आ रहा है। मे भी हो सकता है कि कुछ अपग्रेड वो लोग कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे साइट को, हो सकता है कि काउंसलिंग लेटर वगैरह सब डालने वाले की कुछ बात हो रही होगी। मे भी 1% चांसेस है, मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, 1% चांसेस हो सकता है। खैर, ये देखिए यहाँ पे मैंने लॉग इन कर रखा था एक स्टूडेंट का, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं भी दिख रहा है सामने, सिर्फ प्रीव्यू फॉर्म करने के लिए आ रहा है, और जब आपका लेटर आएगा प्रोविजनल लेटर, तो इसी जगह जो है आपका डाउनलोड करके ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल लेटर डाउनलोड जब तक आप नहीं कीजिएगा, उसको बिना लेके गए एडमिशन आपका नहीं होगा कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। ओके गाइस, तो इस पे देखिए आप लोग अलॉटमेंट लेटर से, अगर यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या होता है कैसे होता है, तो ये मैं पूरा वीडियो देखिए ये बनाया हुआ था, लगभग 4,500+ व्यूज आए हुए हैं, जिसमें कि आपको पूरा ये अलॉटमेंट लेटर कैसा दिखता है, क्या होता है अलॉटमेंट लेटर, फिर अलॉटमेंट लेटर लिस्ट जो कि पीडीएफ रूप में होता है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाया हुआ हूँ क्या होता है, सारा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया हूँ। 17 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप ये वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा, ये मेरे चैनल का है, ये खुद मेरा ही वीडियो है। ओके गाइस, तो ये मैं प्ले करके, फोटो होगा नीचे में इस जगह जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये मेरा चैनल है, जहाँ की आईटीआई से जुड़ी हुई, चाहे डीजीटी चाहे एनसीयूटी चाहे झारखंड आईटीआई चाहे अदर आईटीआई, सभी तरह की अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे दी जाती है। नाम इस तरह का कुछ है आईडिया ब्रेन्स, दैट मींस आईडिया से रिलेटेड सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे जॉब हो चाहे अप्रेंटिस हो चाहे एडमिशन हो चाहे आपका फर्दर कोई भी चीज। ओके, तो आप चैनल को जरूर जुड़ जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, झारखंड काउंसलिंग से लेके रिलेटेड, ओके, तो सभी चीजों को मैंने यहाँ अपडेट कर, मैं अपने चैनल पे अपडेट किया हूँ। जैसे कि अभी काउंसलिंग आप लोग का हो रहा है, तो अभी जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए वीडियो में कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा रखा है या नहीं, तो एडमिशन आपका नहीं होगा मे बी। उसके बाद यहाँ देखिए सीट अलॉटमेंट लेटर, तो एक डेमो में वीडियो बनाया था कि कैसा होता है, वो जो भी मैं दिखा रहा था वो इसलिए बनाया था ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाए बस, ठीक है। तो ये 3-4 दिन पहले ही बनाए थे, हालांकि एक डेमो अलॉटमेंट लेटर लेकर मैं बनाया था। ओके, उसके बाद सेव एंड लॉक जो है गायब हो गया था बीच में, तो उस पर भी मैं एक ईमेल किया था बोर्ड को, वहां से हालांकि कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। खैर, इससे कोई मतलब नहीं है, सेवन लॉक नहीं, सिर्फ सेव भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर कट ऑफ कितना जाएगा,
तो कट ऑफ पे जो है मैं एक वीडियो बनाया था, ये देख लीजिए यहाँ पे, जिसमें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो, क्योंकि बहुत बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे। चॉइस फिलिंग, कुछ कॉलेज का चुनाव कैसे करें, इन सब चीजों का बारे में था। फिर जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई, काउंसलिंग डेट आया, फिर उसका भी वीडियो बनाए थे। फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटी में सीट टोटल कितना है, काउंसलिंग प्रोसेस, पूरा प्रोसेस, इन सभी चीजों की लेंथ वाइज आप देखिएगा तो बड़ा बड़ा वीडियो है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेटिव है कि एक बच्चा जो कि जस्ट पास किया है 10th और कभी सब चीज नहीं किया, ये सब वीडियो देख लेगा तो खुद से सारा काउंसलिंग से कॉलेज तक खुद से ही ले लेगा। तो गाइज आई होप कि आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे जितने भी बातें आप लोग को बताई गई हैं, आपले काउंसलिंग से जुड़ी हुई, सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आपको यदि लगता है कुछ इन वीडियोस में कुछ जरूरत है तो आप जरूर जरूर जाके देखिए। दूसरी बात कि जो ही कुछ अपडेट्स आते हैं, जैसे ही अपडेट्स आता है, मैं अपने चैनल पर सबसे पहले अपडेट करने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों तक पहुंच जाए। बहुत एक माइंड एक लग रहा है कि आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो उम्मीद ऐसा है कि मैं आपको बताया अभी कि रात तक मे भी अपडेट जरूर कर देंगे, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए गाइस मिलेंगे अगली अपडेट में। तो हो सकता है कि वीडियो जब देख रहे हैं आप लोग, तब तक आपको मिल भी जाएगा अलॉटमेंट लेटर, कहने का मतलब कि अपडेट ये लोग कर देंगे और आपका जो पीडीएफ लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर जो है वो भी मौजूद होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, तब उस टाइम ये नहीं कहेगा कि ये वीडियो आप बहुत लेट हैं सर, या फिर ये वीडियो गलत है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वीडियो पहले ही शूट किया जा रहा है आप लोगों को, बस सांत्वना देने के लिए कि वेट कीजिए, थोड़ा सा आने ही वाला है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।